Welcome to Rubah Perfect Classes. My name is Rachna Rana. Today I am going to discuss about lesson number 3 of C language, that is features of programming language. Features of C programming language mein we explain about procedural language. जो C language है वो procedural language है. Procedural means we can write programs in step by step. Means कि ये language जो है इसमें हम जो भी instruction देते हैं वो execute हम उसको step by step करते हैं. जैसे जैसे आपने steps लिखे उसी के according आप instruction देते जाओ, आपको उसको execute करते जाओ, आपको output मिलती जाएगी. ये fast है, efficient है as compared to other languages. और ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मींस आप अपने सिस्टम पर जो प्रोग्राम लिखोगे आप उस प्रोग्राम को किसी और सिस्टम में भी रन कर सकते हो विद स्मॉल चेंजेस और विदाउट एनी चेंजेस. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये. स्ट्रक्चर वाइज इसमें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, इसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है. इसमें इसे हम रिच लाइब्रेरी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट है जिनको हम यूज कर सकते हैं. प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ, गेट गेट सी एच फंक्शंस, क्लियर स्क्रीन फंक्शंस. एंड इसमें हम मेमोरी को इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हैं. इसमें हमारे पास मेलोक, कैलोक और एलोक, री एलोक फंक्शंस हैं जो मेमोरी को इजीली मैनेज करते हैं. पोर्टेबिलिटी है क्योंकि वन मशीन टू अनदर मशीन इजीली इसको हम मूव करके लेके जा सकते हैं. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके कारण हम सी को यूज करते हैं और इसको हम मदर ऑफ अदर लैंग्वेजेस भी कहते हैं. और इसमें हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. उसी में हाई और लो लेवल दोनों के ही फीचर्स इंक्लूड है. थैंक यू. इफ यू लाइक माई वीडियो please like and share with your friends so that they can take the benefits from these lessons and subscribe karna mat bhulna. thank you.